बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों आज आपके लिए लेके आए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में से एक टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। तो आइए जानते हैं क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों हाइड्रोकार्बन टर्म इज मेड अप ऑफ टू वर्ड। अगर आप यहां पर इसको डिवाइड करते हैं बच्चों, तो आप देख पा रहे हैं कि यहां से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो आपको हाइड्रो प्लस कार्बन दिखाई पड़ेगा। बच्चों हाइड्रो इज डेराइव फ्रॉम हाइड्रोजन और कार्बन तो आप जानते ही हैं, यानी कि ऐसा कंपाउंड जो बना है हाइड्रोजन और कार्बन से वो ही कहलाता है हाइड्रोकार्बन। तो आइए डिफाइन कैसे करेंगे वो जानते हैं। Hydrocarbons are covalently bonded compounds which are made up of carbon and hydrogen atoms only। बच्चों ऐसा covalent compound जो केवल carbon और hydrogen से मिलके बना है वो कहलाता है hydrocarbon। सर covalently bonded इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस compound के अंदर carbon और hydrogen के बीच जो bond बनेगा वो covalent bond होगा, जो हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया है। तो क्लियर हुआ क्या होते हैं hydrocarbons? Hydrocarbons are covalently bonded compounds which are made up of carbon and hydrogen atoms only। Clear? आगे चलते हैं। सर अगर हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो दो मेजर क्लास आती हैं। पहली एलिफेटिक और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और दूसरी होती है साइक्लिक और क्लोज हाइड्रोकार्बन। बच्चों एलिफेटिक और एसाइक्लिक, एलिफेटिक देखिए नाम से ही चल रहा पता है, अगर यहां पर इसको देखें एसाइक्लिक को तो ए इज मेंट फॉर एब्सेंट। बच्चों एब्सेंट साइकिल यानी कि रिंग नहीं होगा। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन की ओपन चेन होती है, ओपन चेन कार्बन कंपाउंड्स, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स आर सिंपली नोन एज एलिफेटिक और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों साइक्लिक की बात करते हैं, साइक्लिक में आप जानते हैं नाम से ही चल रहा पता है साइक्लिक और क्लोज्ड हाइड्रोकार्बन्स, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन आपस में जुड़ के एक क्लोज रिंग बनाएंगे, क्लोज चेन बनाएंगे, सच हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज साइक्लिक और क्लोज हाइड्रोकार्बन्स। दे कंसिस्ट ऑफ Closed rings of carbons। क्लियर बच्चों? अब बात करते हैं सर एलिफेटिक और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को अगर फर्दर स्टडी करते हैं तो ये भी दो टाइप में डिवाइड हो जाता है। एक होता है सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। बच्चों देखिए सैचुरेट का मतलब ये बहुत चलने वाला है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बन केमिस्ट्री में, तो आपको याद रखना है कंपाउंड को सिंपली हम लोग एलिफेटिक को दो क्लास में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं सैचुरेट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों यहां पे HYDC जहां पे लिखा हुआ है इट इज मेंट फॉर हाइड्रोकार्बन्स, स्पेस को बचाने के लिए शॉर्ट में ऐसे लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इट इज मेंट फॉर हाइड्रोकार्बन्स। चलते हैं आगे। सर क्या होता है सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन? दीज हाइड्रोकार्बन्स कंसिस्ट ऑफ ऑल सिंगल बॉन्ड्स मेड बाय कार्बन एटम। सर ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन हमेशा सिंगली बॉन्डेड रहता है, यानी कार्बन जिसके साथ भी कंबाइन होगा वहां पे कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं सैचुरेटेड। क्लियर है? इसका जो एग्जांपल है वो रहता है बच्चों एल्केन, दे आर सिंपली नोन एज एल्केन्स। बच्चों सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म ऑफ एल्केन। क्लियर हुआ? तो एल्केन आर दोज सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन इज कंबाइंड थ्रू इट्स सिंगल बॉन्ड, थ्रू इट्स फोर सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? सारे बॉन्ड सिंगल बनाता है कार्बन, ऐसा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है सैचुरेटेड। तो सैचुरेट जहां भी आएगा मतलब सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं सिंगल। अब बात करते हैं जनरल फॉर्मूला। सर सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है इट इज CnH2n+2। बच्चों इज रिप्रेजेंटिंग कार्बन एटम, H इज रिप्रेजेंटिंग H एटम एंड N इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहां पर बच्चों एल्केन का सिंपल एग्जांपल मीथेन, इथेन दिया हुआ है, ये इनके फॉर्मूले हैं CH4 C2H6। अगर मैं CH4 में ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो यहां पे N का वैल्यू 1 होगा, तो मैं यहां मेंशन करता हूं N का वैल्यू 1 है। और बच्चों इथेन का फॉर्मूला C2H6 होता है, तो यहां पे N यानी कि नंबर ऑफ सी एटम कितना होगा 2 होगा। ये आपको क्लियर है? तो आप चेक कीजिए कि क्या ये दोनों कंपाउंड मीथेन और इथेन इस फॉर्मूले को
को फॉलो करते हैं, ये आप चेक कीजिएगा, क्लियर है। अब बात करते हैं सर एलिफैटिक एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का दूसरा टाइप, जिसका नाम है अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों याद रखिएगा, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन जो होता है वो डबल या ट्रिपली बॉन्डेड होता है, यानी कार्बन अदर एटम के साथ डबल बॉन्ड बना के या फिर ट्रिपल बॉन्ड बना के जब कनेक्ट होता है तो वो कंपाउंड कहलाते हैं अनसैचुरेटेड। ये हम लोग पहले कोवेलेंट बॉन्डेड में डिस्कस कर चुके हैं, जिनको पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें, आपके लिए जानना जरूरी है। तो सर दोबारा डिफाइन करते हैं, हियर कार्बन एटम्स, सर कहां पर? इन अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स All carbon atoms are found doubly or triply bonded। बच्चों वहां पर कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड तो होगा ही होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सर समझ में आया कि सर ऐसा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जहां पर कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है वो कहलाते हैं सैचुरेटेड, और सर ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जहां पर कम से कम एक डबल या एक ट्रिपल बॉन्ड भी अगर प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर, सच एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन विल बी नोन एज अनसैचुरेटेड। क्या क्लियर है? सैचुरेट बोले तो सिंगल बॉन्ड, और बच्चों अनसैचुरेट बोले तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड। सर जब दो तरह के बॉन्ड हैं डबल और ट्रिपल अनसैचुरेट कंपाउंड में, तो इसकी क्लास भी दो ही होंगे, अनसैचुरेट एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी दो ही टाइप के होंगे। पहला होता है बच्चों एल्कीन्स और दूसरा होता है एल्काइन्स। बच्चों एल्कीन्स को ओलिफिन्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, एल्कीन्स कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन सी डबल बॉन्ड सी, मैं इसकी बात कर रहा हूं डबली बॉन्डेड। तो बच्चों ये दोनों कार्बन जो हैं, दे आर सिंपली नोन एज डबली बॉन्डेड, क्योंकि ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, बाइंड हो रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। क्या ये आपको क्लियर है? तो सर कोई भी ऐसा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कम से कम एक डबल बॉन्ड ही कार्बन के बीच आ जाता है तो वो कहलाता है अनसैचुरेट, और ये क्लास कहलाती है एल्कीन्स। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, क्लियर है आपको। अब बच्चों अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का दूसरा टाइप है एल्काइन्स, दे हैव एटलीस्ट वन सी ट्रिपल बॉन्ड सी। बच्चों ऐसा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड भी अगर प्रेजेंट है कार्बन के बीच तो वो कहलाएगा अनसैचुरेट, और अनसैचुरेट में क्लास होगी एल्काइन। तो क्लियर हुआ सर? सर एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है, एन आप जानते हैं, एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सी एटम, क्लियर। तो आप लोग आगे डिस्कस करेंगे इसको। अगला जो क्लासिफिकेशन ले रहे हैं बच्चों वो साइक्लिक का है। आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दीज हाइड्रोकार्बन्स कंसिस्ट ऑफ क्लोज रिंग ऑफ कार्बन्स, कार्बन जो है वो क्लोज रिंग बनाता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं साइक्लिक और क्लोज। बच्चों इसको फर्दर स्टडी करते हैं तो इसके दो क्लास निकलते हैं, दो डिविजन होते हैं, एक होता है आपका एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो दूसरा होता है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बच्चों एलिसाइक्लिक, इस टर्म को ध्यान से देखिए, इट इज मेड अप ऑफ अगेन टू वर्ड, एली प्लस साइक्लिक। बच्चों इनको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को एलिसाइक्लिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू एलिफैटिक। बच्चों एलिफैटिक के सिमिलर होती है इनकी प्रॉपर्टी, तो यहां पे इन साइक्लिक कंपाउंड के स्टार्टिंग में क्या लगा दिया? एली। क्या आपको क्लियर हुआ सर क्या होते हैं? तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कंसिस्ट ऑफ क्लोज रिंग एंड देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्या ये आपको क्लियर है बच्चों? अब हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं। इसका एग्जांपल रहेगा साइक्लोप्रोपेन। बच्चों जहां भी साइक्लो वर्ड लगेगा मतलब रिंग है, साइकिल है, क्लियर हुआ। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के अगेन दो टाइप होंगे, पहला है सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो दूसरा है अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। बच्चों ध्यान से देखिए, ऐसा क्लोज चेन वाला हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर सारे बॉन्ड कैसे हो? सिंगल, क्योंकि हम लोग पढ़ के आए हैं सैचुरेटेड वर्ड जहां भी लगेगा मतलब कार्बन हमेशा सिंगली बॉन्डेड होगा, कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पे एग्जांपल लिया हुआ है साइक्लोहेक्सेन। बच्चों हेक्सेन का हेक्स, यहां पे वर्ड रूट हेक्स है, आईपीएससी में आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप देखिए कि यहां पर साइक्लोहेक्सेन में छह कार्बन की एक रिंग है, क्लोज रिंग है। ध्यान से देखिए, मैं काउंटिंग करता हूं, 1
टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये छह के छह कार्बन जो है ये आपस में चेन बनाते हैं, बट कौन सी वाली, ओपन नहीं क्लोज वाली। तो ये क्लोज चेन कंपाउंड है और यहां पे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ एलिसाइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज सैचुरेटेड। क्लियर हुआ? हम लोग बात करें सर अनसैचुरेट की, तो आप पढ़ के आए कि अनसैचुरेट के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर एक भी आ जाता है तो वो कंपाउंड अनसैचुरेट कहलाता है। तो आप पा रहे हैं यहां पे बॉन्ड सारे सिंगल है क्लोज रिंग के अंदर, तो ये हुआ सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सर कहीं पर भी अगर एक आप डबल बॉन्ड लगा देते हैं, सपोज यहां पे लगा दिया डबल, तो ये एग्जांपल हो जाएगा अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और इसको बोलेंगे क्या बच्चों, साइक्लोहेक्सीन। हेक्सीन सर मान लीजिए यहां पे ट्रिपल आ जाए, जस्ट इमेजिन, ये देखिए ट्रिपल आ जाए तो H का नंबर तो यहां वेरी करेगा, बिल्कुल करेगा सर, ये देखिए, तो सर ये अब कहलाएगा साइक्लोहेक्सीन। क्या ये क्लियर है आपको? तो बच्चों दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। एक बार फिर से ब्रीफिंग करता हूं, क्लियर कीजिए। यहां पे हाइड्रोकार्बन सर ऐसे कोवेलेंटली, सर ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड जो बने कार्बन और हाइड्रोजन से वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के दो टाइप होते हैं, एक होता है एलिफैटिक एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है साइक्लिक और क्लोज हाइड्रोकार्बन। बच्चों एलिफैटिक या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन उन कंपाउंड को बोलते हैं जहां पे कार्बन एक लंबी ओपन चेन बनाता है, जहां पे कार्बन ओपन चेन बनाता है वो एलिफैटिक या एसाइक्लिक कहलाते हैं, जहां पे कार्बन की क्लोज चेन होती है उसको साइक्लिक या क्लोज हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। बच्चों ओपन चेन वाले एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की दो क्लास होती है, पहला सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है, दूसरा अनसैचुरेट होता है। सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के बीच कार्बन हमेशा जो है वो सिंगली बॉन्डेड होगा, कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल होंगे। लेकिन अगर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन ने आपस में डबल बॉन्ड बना दिया या ट्रिपल बॉन्ड बना दिया तो वो कहलाएंगे अनसैचुरेट, सिंपली एल्कीन्स एंड एल्काइन। ये डिस्कस किया था, क्लियर है आपको? चलिए अब बात करते हैं सर साइक्लिक और क्लोज की। तो सर यहां पर जो कार्बन की चेन होगी वो रिंग बनाएगी, क्लोज रिंग बनाएगी, इसलिए इनको साइक्लिक या क्लोज बोलते हैं। इसके दो टाइप होते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे। फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं यहां पर इन हाइड्रोकार्बन में क्लोज चेन होती है और इनकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। बच्चों इसके एग्जाम्पल रहेगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, लंबी चेन है। अब बात करते हैं सर फिर से यहां पे देखिए दो टाइप हो गए, एक सैचुरेटेड दूसरा अनसैचुरेटेड। अगर चेन के अंदर सारे कार्बन सिंगली बॉन्डेड है तो क्या कहलाएंगे, सैचुरेट, और अगर एक भी डबल या ट्रिपल आ गया तो क्या कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये इसके एग्जांपल है। बच्चों भाई वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें, लाइक करें और आगे बढ़ें।